हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि वन प्लस नोट CE3 लाइट 5G फ़ोन में आप लोग ब्लूटूथ की स्टॉपिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक वन प्लस नोट CE3 लाइट 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है ब्लूटूथ ऑन करते ही ब्लूटूथ की स्टॉपिंग यहाँ पर ऑप्शन आता है गाइस, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे देख सकते हैं बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक रीसेट फ़ोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो रीसेट फ़ोन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का एक ऑप्शन होगा, रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो ये ऑप्शन है गाइस रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर जो आप लोगों का ब्लूटूथ का सेटिंग्स होता है गाइस वो यहाँ पर से रीसेट हो जाएगा और ब्लूटूथ सेटिंग रीसेट होने के बाद आपका जो ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम है वो भी ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है गाइस तो आप लोगों को फिर से सेटिंग्स में आना है और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस ऊपर की तरफ एक 3 डॉट ऑप्शन होगा, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। शो सिस्टम का ऑप्शन होगा, शो सिस्टम पे क्लिक कर दीजिए। अभी आप लोगों को यहाँ पर ब्लूटूथ के ऑप्शन को ढूंढना है, ठीक है गाइस। तो देख सकते हैं ये रहा ब्लूटूथ का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टोरेज यूसेज का एक ऑप्शन होगा, स्टोरेज यूसेज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एक क्लियर डाटा का एक ऑप्शन होगा, क्लियर डाटा पे क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही ब्लूटूथ का जो भी डाटा होगा या कैची फाइल्स वगैरह होंगे वो सब यहाँ पर से क्लियर हो जाएंगे और आपके फ़ोन में जो ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम है वो भी 100% सॉल्व हो ही जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने वन प्लस नोट CE3 लाइट 5G फ़ोन में ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।